33, क्वेश्चन नंबर 33। फ्रीक्वेंसी को हमको रिप्रेजेंट करना है एन से, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करना है डी से, लेंथ को रिप्रेजेंट करना है एल से, और फिर है मेरे पास यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस वाई से। बोला गया फ्रीक्वेंसी का इन सब का रिलेशन निकालो। चलो जी ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। अभी आप याद कीजिए, हम आपको इंडिविजुअली सबका डायमेंशन पढ़ा चुके हैं, सो रिमेंबर दैट कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला है टी माइनस वन, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है एम एल माइनस थ्री, लेंथ है तो एल होगा, और यंग्स मॉडुलस आपको याद है किसी को यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला? अरे यार देखना, आज जब तुमको पढ़ाया गया था स्ट्रेस, याद करो स्ट्रेस पढ़ाया गया था, स्ट्रेस, स्ट्रेस में पूरा बोर्ड पे लिख दिए थे स्ट्रेस प्रेशर के डायमेंशन के बराबर, और वही कॉफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, इन सब के बराबर होता है। क्या आपको याद आ रहा है? आप अगर कॉपी देखिएगा ना तो आपको दिखाया गया था कि स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, मतलब प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होता है। हाँ वेरी गुड, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये तुम्हारे कॉपी पे करा दिया गया था क्योंकि हमको मालूम रहता है ये सब क्वेश्चन आता है। ओके अब जरा देखो, अब क्वेश्चन ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है डेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है लेंथ पे, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है इस पे। सो जो आप पढ़े थे अब याद कीजिए कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल विथ डेंसिटी, लेंथ एंड यंग्स मॉडुलस। डेंसिटी पे पावर एक्स, लेंथ पे पावर स्मॉल वाई, और वाई पे पावर जेड। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है कांस्टेंट, डेंसिटी पे पावर एक्स, लेंथ पे पावर वाई, और यंग्स मॉडुलस पे पावर जेड। इसके बाद होता है पुटिंग डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का हम लोग डायमेंशन पुट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टी माइनस वन लेफ्ट में, डायमेंशनलेस कांस्टेंट वन, डेंसिटी एम एल पे पावर माइनस थ्री पावर एक्स, लेंथ एल पे पावर वाई, एंड यंग्स मॉडुलस एम एल माइनस वन टी माइनस टू पे पावर जेड। टी पे पावर माइनस वन, एम पे पावर एक्स, एल पे पावर माइनस थ्री एक्स, एल पे पावर वाई, एम पे पावर जेड, एल पे पावर माइनस जेड, और टी पे पावर माइनस टू जेड। अब जैसे हम लोग बाकी न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते चलना, और कुछ है नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में मास पे पावर है जीरो, लेंथ पे पावर है जीरो, टी पे पावर माइनस वन। राइट हैंड साइड में है एम पे पावर एक्स और एम पे पावर जेड, तो क्या कॉमनली लिख सकते हैं एम पे पावर एक्स प्लस जेड? देखो जी पावर एक्स है और पावर जेड है तो दोनों एड हो गया। लेंथ पे पावर देख, माइनस थ्री एक्स है, वाई है और माइनस जेड है, तो लेंथ पे पावर माइनस थ्री एक्स प्लस वाई माइनस जेड, माइनस थ्री एक्स प्लस वाई माइनस जेड। और टी को अगर वार किया तो टी पे पावर मिलेगा एक ही मिलेगा, माइनस टू जेड। अब जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेटिंग पावर ऑफ सेम बेस, दोनों तरफ सेम बेस के पावर को आपस में इक्वेट कर दे, तो एम पे पावर जीरो इज एम पे पावर एक्स प्लस जेड। तो यहां से मिला जीरो इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, या फिर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस जेड। ठीक है, दूसरा देखो, एल पे पावर, एल पे पावर है जीरो, एल पे पावर है माइनस थ्री एक्स प्लस वाई और माइनस जेड, सो जीरो इज इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अभी देखो अगला है हम लोगों के पास टी पे पावर माइनस वन, टी पे पावर माइनस टू जेड, सो माइनस वन इज माइनस टू जेड, सो आपको मिला जेड इज इक्वल्स टू वन बाई टू। तो देखो जेड मिल गया वन बाई टू, तो क्या यहां एक्स मिल गया माइनस वन बाई टू? एक्स है हमारे पास माइनस वन बाई टू, जेड है हम लोगों के पास वन बाई टू। अब चलो y निकालते हैं यहां से, क्या यहां से हम लोगों को y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस जेड है? तो y इज इक्वल टू थ्री एक्स के जगह पे
माइनस वन बाई टू और जेड के जगह पे वन बाई टू। देखो जी क्या ये माइनस थ्री बाई टू और प्लस वन बाई टू है तो क्या ये माइनस वन है? ये सारा तीनों का तीनों सॉल्व करके तुम्हारे पास एक्स वाई और जेड का वैल्यू आ गया। यही तो करते हैं हम लोग और लास्ट में भी बहुत सारे इसी पे क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। ठीक है अब चलो चलो देखो इन सबको मिला के तो क्या हम लोग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू के 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 डी पे पावर एक्स डी पे पावर एक्स तो डी पे पावर माइनस आर डी पे पावर एक्स उसके बाद जेड पे पावर एल पे पावर वाई तो एल पे पावर माइनस वन और जो हम लोगों के पास वाई है यंग्स मॉडुलस उस पे पावर जेड मतलब वन बाई टू। तो इन सबको मिला के लिखा तो के एल नीचे चला गया और अंडर रूट देखो वाई बाई डी आया। दिस इज योर आंसर। क्या जी अर्पित चेक करो आंसर सेम है? यस सर। ठीक है तो ये आपके पास प्रोसेस जो भी आपका डाउट है डाउट पूछने में एकदम हिचक की यदि जब आप डाउट पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो कैसे आप यूज करते हैं। ठीक है अच्छे से देख लो क्वेश्चन भी है सबके सामने नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं अगला। किसी और का डाउट है निकालो उसको जी। हाँ बोलो सेम आंसर आएगा क्या दिक्कत है? किसी को भी आगे पीछे कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिसको लिखेगा उस हिसाब से आपको पावर देना होगा और क्या। आप मान लीजिए डी नहीं लिखते एल पहले लिखते डी बाद में क्या एकदम आएगा एकदम 110% वही आएगा 110% सेम ही आएगा बस आपका कैलकुलेशन सेम होना चाहिए। अब देखो अगर कोई एल को पहले लिख रहा पावर एक्स डाल रहा है तो उसका एक्स अलग आएगा उसका एक्स माइनस आप थोड़ी ना आएगा उसका एक्स अलग आएगा उसका एक्स आएगा माइनस वन। भेज रहे हो शुभम? अच्छा सुनो ना आज है ना आगे बढ़ते हैं डिस्कशन करते हैं। ठीक है आप लोग देखिए सबको यानी सिस्टम को समझ ले या तो अपना क्वेश्चन स्क्रीन शेयर करके हमको दिखाओ नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो। ठीक है हम आपको बैच में बता देंगे आपके पास पूरा समय रहता है। अभी मान लीजिए आज आपका फिजिक्स का क्लास है तो आपको पता है आज फिजिक्स का क्लास है आप अपना क्वेश्चन भेज दीजिए उससे क्या होता है ना कि मेरे पास क्वेश्चन पढ़ने का भी होगा ना। अभी स्क्रीन शेयर करो तो भी हम काम कर देंगे नहीं तो मेरा व्हाट्सएप पे भेज दो तो भी काम हो जाएगा क्वेश्चन दिखेगा तब ना बताए। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है अगले दिन से आप तैयारी रखिएगा कि ऐसे ही पूछना है और क्वेश्चन एकदम पूछना ही है तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। जब आप नया नया क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको नया नया चीज बताया जा सकेगा। ठीक है और रिवीजन भी ऐसे ही होता है। अभी देखो यंग्स मॉडुलस आ गया तो यंग्स मॉडुलस का एक तरह से रिवीजन हो गया स्ट्रेस का रिवीजन हो गया प्रेशर का रिवीजन हो गया कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बता दिए बल्क मॉडुलस ये सब का सेम डायमेंशन होता है। ठीक है आगे देखो नेक्स्ट हम लोगों के पास डिस्कशन के लिए आज एरर एनालिसिस लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे याद है आपको एरर एनालिसिस। ठीक है हम लोग लास्ट में डिस्कस किए थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर एक से ज्यादा मेजरमेंट होगा एक से ज्यादा अलग अलग तरह का मेजरमेंट होगा तो उसका जो ट्रू वैल्यू होगा या एक्चुअल वैल्यू होगा वो सारे मेजरमेंट का मीन होगा तो उसका ट्रू वैल्यू कहलाया। फिर हम लोग पढ़े एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या था कि मीन वैल्यू से कोई भी मेजरमेंट का डिफरेंस कितना होता है मतलब मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू वो जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है इवन जीरो भी हो सकता है। तो जब हम लोग एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालते हैं तो हम लोग सारे एब्सोल्यूट एरर के मॉड को यूज करते हैं मॉड। ठीक है उसके बाद आपको मिलता है मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड हम लोग इसके बाद डिस्कस किए रिलेटिव एरर। जब हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर में मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। और जब आप इसी रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर।
ठीक है। आज चलो हम लोग इसी पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस बना ले, एक क्वेश्चन लिस्ट कंप्लीट कर ले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो ऐसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज मेजर्ड एंड इट्स रीडिंग कम्स टू बी, उसका जो रीडिंग आया वो कैसा है, 1.34, 1.32, 1.40, 1.38 and 1.36। ये पांच वैल्यू है, 1.34 है, 1.32 है, 1.40 है, 1.38 है, 1.36 है। फाइंड, क्या हम लोगों को फाइंड करना है, सबसे पहला मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन वैल्यू, दूसरा एब्सोल्यूट एरर इन इच केस, हर केस में एब्सोल्यूट एरर, थर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ रिलेटिव एरर, हम लोगों को रिलेटिव एरर निकालना भी है, फिफ्थ परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का वैल्यू निकालना है, एंड नेक्स्ट वन सिक्स्थ, ठीक है, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर प्रॉपर एरर लिमिट। ये लास्ट वाला तो आज हम सिखाएंगे, प्रॉपर एरर लिमिट। तो देखो ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन बोला गया कि किसी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मेजर करते हैं, किसी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग मेजर करते हैं, पांच अलग अलग रीडिंग आता है, इन पांचों को ध्यान में रख के हम लोग को मीन वैल्यू बताना है, एब्सोल्यूट एरर बताना है हर केस में, फिर सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू निकालना है, फिर उससे रिलेटिव एरर, फिर उसके बाद परसेंटेज एरर, और फाइनल आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप लिखेंगे कैसे। तो देखिए एकदम सिस्टमैटिकली चलते हैं, जो पढ़े हैं बस यूज करते हैं। जब हम लोग उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने यहां पे वाई से दिखा दिया है, वाई मीन, तो जितना भी मेरा रीडिंग है, पांच रीडिंग है, उन पांचों का मीन निकालना, 1.34, 1.32 प्लस 1.40 प्लस 1.38 प्लस 1.36 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अभी देखो थोड़ा इसको सॉल्व करो भाई, कितना बोले जी, 1.36। तो ये जो हम लोगों का मीन वैल्यू है, दैट कम्स टू बी 1.36, मतलब उसका मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36 है, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36 है। अब दूसरा देखो, हम लोग एब्सोल्यूट एरर अगर फर्स्ट केस में निकालेंगे तो मीन में से फर्स्ट रीडिंग को माइनस किए, तो मीन वैल्यू है मेरा 1.36 और फर्स्ट रीडिंग है मेरा 1.34, तो क्या ये 0.02 है। इसी तरह थोड़ा शॉर्टकट में समझना, मीन वैल्यू है 1.36 और सेकेंड रीडिंग है मेरा 1.32, तो क्या ये 0.04 है। अगला, अगर हम लोग थर्ड केस में निकालेंगे तो 1.36 माइनस थर्ड रीडिंग है 1.40, इसका मतलब ये माइनस 0.04 है। अगर हम लोग फोर्थ केस में निकालेंगे तो 1.36 माइनस 1.38 सो इट इज माइनस ऑफ 0.02,
और अगर हम लोग फिफ्थ केस में निकालेंगे तो 1.36 माइनस 1.36 सो इट कम्स टू बी 0.00। तो आपके पास हर केस का मीन, हर केस का एब्सोल्यूट एरर आ गया। कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है, कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है कि चल भाई थर्ड केस का एब्सोल्यूट एरर बता दो, योर आंसर इज -0.04। तो केवल थर्ड केस वाला काम करेंगे, ठीक है, जो पूछेगा वो करना है। अब हमारे पास थर्ड है कि इन सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालना। तो हम लोग पढ़े हैं मॉड को यूज करेंगे, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर का मॉड, सेकंड एब्सोल्यूट एरर का मॉड, थर्ड एब्सोल्यूट एरर का मॉड, फोर्थ एब्सोल्यूट एरर का मॉड और इसी तरह फिफ्थ एब्सोल्यूट एरर का मॉड, ऑल डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड। तो अभी देखो हम लोग का फर्स्ट का, अच्छा हम एक ही बार में आंसर लिख रहे, थोड़ा समझना, थोड़ा जगह कम है क्या, ये माइनस माइनस हटा दे सर तो वैल्यू हो गया 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.04 प्लस 0.02 और प्लस 0 एंड ऑल डिवाइडेड बाय 5, ये 5 तो ये हो गया 0.025। ऊपर आ गया 0.12 और नीचे है 5, तो क्या ये 0.024 है? दिस इज मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, दिस इज मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर। मतलब देखो फर्स्ट सॉल्व, सेकंड सॉल्व, थर्ड सॉल्व, ठीक है। अब थोड़ा फोर्थ फिफ्थ के लिए थोड़ा जगह का कमी है, जब देखते चलेगा। अगर हम लोग फोर्थ बनाते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर लास्ट आप पढ़ के गए थे कि व्हाट एवर बी द मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, देन योर मीन एब्सोल्यूट एरर इज 0.04, योर मीन एब्सोल्यूट एरर इज 0.024 एंड ऑल डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू एंड योर मीन वैल्यू इज 1.36। प्लीज सॉल्व दिस, देखो कितना आंसर आता है, सॉल्व करो थोड़ा। एंड 0.014 कंफर्म ना, 0.014 यस सर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों के पास परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, ऑब्वियसली परसेंटेज एरर हम लोग लास्ट सीखे थे कि व्हाट एवर बी द रिलेटिव एरर जस्ट मल्टीप्लाइड विद 100, व्हाट एवर बी द रिलेटिव एरर, ये तो रिलेटिव एरर है भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर। तो अभी हम लोगों के पास रिलेटिव एरर सॉल्व करके आ गए 0.014 जस्ट मल्टीप्लाइड विद 100, सो इट इज 1.4%, सो इट इज 1.4%, दिस इज परसेंटेज एरर। क्लियर है, कोई कोई दिक्कत इसमें? कैलकुलेशन साथ में चलते जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन आएगा ऐसे ही बनाना जैसे अभी आपके सामने बनाया जा रहा है, कोई दिक्कत किसी को? हाँ बोलो जी सर, वहां पे 0.0048 होगा। विच वन? दिस वन? नो सर, ये वाला 0.014 है ना? हाँ हाँ हाँ, 0.0048 होगा, 0.0048 ये ना? यस सर, कंफर्म ना? वैसे लग नहीं रहा है, ठीक है ना? आप लोग एक बार, 0.017 होगा। वाह भाई, एक ही क्वेश्चन है, इतना आंसर है सर, 0.014 0.014 यस सर। चलो ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, देखो ये मेरा काम नहीं, हो कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। 0.017 तो उसी 0.017 को आप यहाँ ले लीजिएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7, ओके 0.1.7%। देखो कैलकुलेशन आपको करना है, आपको समझ में आ रहा हो क्या रहा? Yes, sir. ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझिए, वो कैलकुलेशन आप ही को करना है, वो अपना मत। अब यहां पे देखो सबसे फाइनल लाइन की ये कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर प्रॉपर एरर लिमिट, ये हो गया, ये भी हो गया। अब इसका बाद देखो फाइनल आंसर जो है ना, हम यहां लिख के दिखा रहे हैं, जब आप इसको फाइनली सिक्स्थ लिखिएगा तो याद रखिए कि जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिएगा तो जो भी मीन वैल्यू उसमें प्लस माइनस, उसमें प्लस माइनस आपको मीन एब्सोल्यूट एरर लिखना पड़ता है,
जो भी मीन वैल्यू है उसमें आपको प्लस माइनस करके मीन एब्सोल्यूट एरर लिखना पड़ता है। मतलब तुम्हारा मीन वैल्यू है 1.36 ये वाला, और मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर था 0.024। सो इट इतना प्लस माइनस 0.024, दिस इज योर फाइनल आंसर विथ प्रॉपर एरर लिमिट। क्या आप ऊपर वाला लाइन समझे? फिर से बोलते, जब आप y लिख रहे हैं ना तो आप फाइनल आंसर एरर लिमिट के साथ कैसे लिखिएगा? तो y मीन प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, एक मीन वैल्यू लेना है और एक मीन एब्सोल्यूट एरर लेना है, और बीच में लगेगा प्लस माइनस साइन। तो मीन वैल्यू था मेरा 1.36 और मीन एब्सोल्यूट एरर था 0.024, बीच में प्लस माइनस का साइन। जब भी आप फाइनल आंसर लिखिएगा, हमेशा आपको एरर लिमिट के साथ अगर फाइनल आंसर लिखना है तो आपको ऐसे ही जाना होगा। क्या ये समझा? यस सर। ये लास्ट वाला है ना, वहां दिख नहीं रहा बहुत, तो हम यहीं पे छोटा सा लिख देते हैं। देखो एक बार में बोर्ड पे खत्म करना पड़ा और बोर्ड का थोड़ा लिमिटेशन हो जाता है। तो वाई इज वाई मीन प्लस माइनस डेल वाई मीन, आपको फाइनल आंसर ऐसे लिखना पड़ा। ठीक है, नोट करो इसको अच्छे से, एक एक लाइन समझो। कुछ नहीं समझना है पूछ लो कि सर ये कैसे हुआ है। अच्छे से देखिए, समझिए, थोड़ा कहीं डाउट हो बात कीजिए। अभी देखो इसके बाद का जो अगला डिस्कशन है ना, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक ऑपरेशन। कहने का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन बाय यूजिंग एरर लिमिट। ठीक है, देखो अगला कॉन्सेप्ट समझो। अलजेब्रिक ऑपरेशन यूजिंग एरर लिमिट, मतलब अभी हम लोग जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एरर में कोई क्वेश्चन दिया है, कोई क्वांटिटी दिया है, तो एडिशन कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे और डिविजन कैसे करेंगे। ठीक है, अभी जरा इसको चीज को अच्छे से समझना। मान लो जैसे सबसे पहला डिस्कशन है एडिशन, बढ़िया से। हाँ, सपोज जैसे एक से फिजिकल क्वांटिटी है जो ए प्लस बी पे डिपेंड करता है। बोलेगा सर इसका मतलब बताइए। चलो देखो यहां पे पैरेलल में क्वेश्चन रख देते हैं। क्वेश्चन ये है कि टू रजिस्टर्स हैव रेजिस्टेंस, उनका रेजिस्टेंस है R1 दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 ओम, और R2 दिया हुआ है 6 प्लस माइनस 0.4 ओम। मान लो ये दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन ये बोला फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when they are connected in series, जब वो रजिस्टर सीरीज में जुड़ेगा तो उनका रेजिस्टेंस बताओ। अभी जरा गौर करो, सबसे पहले तो स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन चर्चा कर रहा है उसमें दोनों आर वन और आर टू कैसे अलजेब्रिक ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। आर इक्विवेलेंट बताइए जी सीरीज में। आर वन प्लस आर टू, इसका मतलब दोनों एडिशन के थ्रू जुड़ा है। इसका मतलब है कि दोनों एडिशन है आर वन प्लस आर टू, समझ में आया? अगर आपका क्वेश्चन में रहता, छोड़ दो ये एरर लिमिट, अगर रहता 10 और 6 केवल, तो क्या आपका आंसर 16 होता? यस सर। आज आप सीख रहे हैं कि अगर एरर दिया है तो आंसर कैसे लिखेंगे या कैसे उसको बनाएंगे, यही हम लोग सीखना स्टार्ट किए। अभी देखो, जैसे मान लो जैसे एक्स है जो ए प्लस बी है, अगर हम एरर के साथ लें विथ एरर लिमिट, अगर आप एरर लिमिट के साथ चलेंगे, समझिएगा ध्यान से, तो मान लीजिए ए के अंदर का एरर है डेल ए,
ये एरर में डेल रिप्रेजेंट होता है, एरर को जनरली हम लोग डेल से दिखाते हैं ऐसे साइन, ठीक है। ए में एरर है डेल ए प्लस बी में एरर है डेल बी, ठीक है। अब देख अगर ए का एरर लेगा बी का एरर लेगा तो एक्स के मेजरमेंट में भी एरर आएगा डेल एक्स, क्या आपको ये लाइन समझ में आया, ठीक है। ए का एरर बी का एरर तो एक्स में भी एरर। अब यहां देखो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इज ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी, सो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इज ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अभी जरा गौर करना ऊपर वाले लाइन पे कि जो एक्स है वो ए प्लस बी के साथ बराबर, एक्स जो है वो ए प्लस बी के साथ बराबर, तो क्या हम लोग प्लस माइनस डेल एक्स प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी लिख सकते हैं। अभी थोड़ा सा कोई दिमागी रूप से थोड़ा एक बात को समझना, यहां जो समझेगा फिर आगे बहुत काम आएगा। पता है यहां पे चार पॉसिबिलिटी है, देयर आर फोर पॉसिबिलिटीज, ये चार पॉसिबिलिटीज है। कौन सा चार पॉसिबिलिटी है? हो सकता है कोई बोले कि सर ए को प्लस लेंगे और बी को प्लस लेंगे, तो कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकता है कि सर ए को प्लस लेंगे लेकिन बी को माइनस लेंगे, तो कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकता है कि ए को माइनस लेंगे बी को प्लस लेंगे, तो कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकता है कि सर ए को भी माइनस लेंगे और बी को भी माइनस लेंगे, क्या बोलता है, सही बोले सब कोई थोड़ा समझना, क्या ये चार चार बात हो सकता है ना, ठीक। आप देखो इसका मतलब ये है कि डेल एक्स का हर बार अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है, डेल एक्स का हर बार अलग अलग आंसर आएगा। जब फिजिक्स देखा कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जब फिजिक्स में देखा गया कि ऐसा एरर में प्रॉब्लम आता है, एक ही क्वेश्चन का चार आंसर हो जाता है चारों सही है, तो इसके जगह पे अब फिजिक्स में फाइंड किया जाने लगा एक चीज और वो वर्ड था मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर मतलब एरर का सबसे बड़ा वैल्यू कितना हो सकता है, एरर का सबसे बड़ा वैल्यू कितना हो सकता है, उससे बड़ा एरर नहीं, ठीक है, एरर का सबसे बड़ा वैल्यू। अब सबका एक आंसर बताओ, क्या मैक्सिमम पॉसिबल एरर में दोनों ऐड होगा? यस सर, ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा, इसी पे आप चार अभी इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है। अब यहां देखो आउट ऑफ दीज फोर पॉसिबिलिटीज, आउट ऑफ दीज फोर पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम पॉसिबल, ये हम लोग कौन सा एरर निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर लिखा हुआ है कि रिलेटिव एरर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये देख, रिलेटिव एरर के लिए नीचे डिवाइड होता है, आप देखे थे, और जब केवल एरर रहता है तो ये कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट एरर। तो वर्ड है मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अभी आप दो चीज समझिएगा थोड़ा सा, बहुत 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 अच्छा है ना टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखना। अभी देखो यहां समझो, अगर डेल एक्स लिखा है तो ये एब्सोल्यूट एरर है, नाम में पीछे वाला चीज यूज होगा, और अगर कहीं लिखा है डेल एक्स बाई एक्स तो ये लिखा है रिलेटिव एरर, सही जा रहे हैं, डेल एक्स लिखा है तो एब्सोल्यूट एरर, डेल एक्स बाई एक्स लिखा है तो रिलेटिव एरर। अभी देखो ये सब डेल ए है डेल बी है डेल एक्स है तो एब्सोल्यूट एरर, सो मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर दैट डेल एक्स मैक्सिमम,
अब तो भाई ए भी प्लस होगा और बी भी प्लस होगा, एक ही आंसर होगा सबका। हर क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जाएगा 100 में से 100% नहीं बोल रहे 99%, हम बोल रहे 100 में से 100% सब मैक्सिमम पॉसिबल एरर पे बेस्ट होता है। ठीक है, लिखा है नहीं लिखा है तुमको केवल और केवल निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मतलब बाकी का ये 3 केस यूजलेस है। तुमको केवल पहले वाले पे ध्यान रखना है जहां दोनों प्लस हो रहा है, ठीक है, बाकी तीनों का तीनों यूजलेस। सो मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इज दिस वन। ये क्या आपको समझ में आया कि एरर्स का क्या करना है इसमें? ठीक है, अब चलिए देखिए थोड़ा न्यूमेरिकल्स देखिए, देखिए या न्यूमेरिकल्स थोड़ा जगह बना लेते अपना। देखो उसका आंसर लिख रहे हैं, आर इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। आराम से एक एक लाइन समझना। विदाउट एरर 10 प्लस 6 16 ओम, 10 प्लस 6 16 ओम। अब देखो जब हम लोग डेल आर का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो जैसा कि मेरे पास इक्वेशन आ गया है डेल आर वन और डेल आर टू को ऐड कर देना है। इसका मतलब यह है कि 0.2 और 0.4 का एडिशन हो जाएगा और ये दोनों मिलकर हो गया 0.6 ओम। ठीक है, अब जो जो नाम बोल रहे हैं ना तुम आंसर बताना है, नाम बोल रहे हैं उसका आंसर बताना। अगर क्वेश्चन तुमसे ये पूछा, ठीक है, कि चल जी फाइनल आर इक्विवेलेंट बता दें एरर लिमिट के साथ, तो जो तुम्हारा आर इक्विवेलेंट आया उसमें प्लस माइनस डेल आर इक्विवेलेंट करो, मतलब आपका आंसर होगा 16 प्लस माइनस 0.6 ओम। दिस इज योर आंसर, आर इक्विवेलेंट 16, डेल आर इक्विवेलेंट 0.6। ये तुम्हारा आंसर, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ये, जो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ भाई आर इक्विवेलेंट विद एरर लिमिट, बोला है ना आर इक्विवेलेंट फाइंड करो, ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालो, तो आर इक्विवेलेंट ये रहा तुम्हारा आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, हम कुछ ऐड कर रहे हैं, हम कुछ एडिशनल इसमें बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम तुमसे बोले कि एब्सोल्यूट एरर ऑफ आर इक्विवेलेंट बताओ, तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ आर इक्विवेलेंट इज डेल आर इक्विवेलेंट एंड योर आंसर इज 0.6 ओम। एब्सोल्यूट एरर बताओ आर इक्विवेलेंट का, तो योर आंसर इज 0.6 ओम। और अगर हम तुमसे पूछते कि रिलेटिव एरर ऑफ आर इक्विवेलेंट बताओ, तो जो भी तुम्हारा डेल आर इक्विवेलेंट था उसमें आर इक्विवेलेंट से डिवाइड करो, मतलब 0.6 में आप 16 से डिवाइड कीजिए। तो रिलेटिव एरर पूछेंगे तो रिलेटिव की तरह सोचना है, रिलेटिव की तरह सोचना है, और एब्सोल्यूट एरर पूछेंगे तो एब्सोल्यूट की तरह सोचना है। क्या समझ पा रहा है? पूरा एकदम शांति छा गया, नहीं समझ में आया? आया सर। किसी को डाउट है बोला जाए, ठीक है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। आप देखिएगा ये डायमेंशन जैसा चीज नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप एक एक लाइन समझने के पीछे लग जाएंगे ना तो एकदम आसान होगा। और कंपटीशन का जब सेक्शन में आप जाइएगा तो आपको इस तरह से दिमाग लगा के ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, आराम से देखिए, एक एक लाइन समझिए, कोई भी दिक्कत हड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं है, बहुत तेजी से पढ़ाई होता है। ठीक है, एकदम समय अवेलेबल रहता है, कोई भी डाउट कहीं भी पूछा जाए कि सर ये कैसे हुआ, हाँ बोलो सर, वो वाला क्वेश्चन कैसे समझाइए ना? वो वाला कैसे समझेंगे, कौन वाला? सर टू रेजिस्टेंस वो जो अभी आप बता रहे हो सर, ये ना? यस सर। हाँ देखो, चलो देखो, मान लो हम लोगों के पास दो रजिस्टर है जिसका रजिस्टेंस, अभी हम लोग थोड़ी देर तक इसको ऑफ कर देते हैं, हम लोग वो बच्चा बचपन में जो पढ़े थे वो पढ़ते हैं, एक का 10 है दूसरे का 6 है। तो अगर हम तुमसे आर इक्विवेलेंट पूछते सीरीज में तो आर वन प्लस आर टू ऑफ करते हैं ना, 16 आ जाता। ठीक है, तो ये तो हम लोग लोअर क्लास में ही पढ़ रखे हैं। तो आज हम लोग क्या सीख रहे हैं कि एरर एरर के साथ एडिशन कैसे करें।
तो देख उसके लिए पहले तो ये डेरिवेशन करके आपको दे दिया गया कि जब एडिशन रहेगा तो डेल एक्स मैक्सिमम कैसे आप निकालेंगे, डेल प्लस डेल बी। अब यहां बिना एरर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता 16 ओम बिना एरर का, ठीक है। एरर है तो हम लोग को क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो डेल आर इक्विवेलेंट। तो जैसा कि अभी हम लोग डेरिवेशन किए तो उसमें हमको पता चला कि अगर एक्स ए प्लस बी है तो डेल एक्स डेल ए प्लस डेल बी है, तो अगर आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू है तो डेल आर इक्विवेलेंट डेल आर वन प्लस डेल आर टू है। डेल आर वन कितना, तो क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है ये आपका डेल आर वन है और ये आपका डेल आर टू है, दोनों वैल्यू लिखे तो वैल्यू आया 0.6। क्वेश्चन क्या बोला था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बताओ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप 16 बता दीजिएगा तो आप 11 का कॉन्सेप्ट तो यूज किए नहीं, आप तो वही 9-10 वाला बात बोल दिए कि हाँ सीरीज में 16 होता है। एरर में अभी ही थोड़ी देर पहले सिखाए थे, एरर में अभी ही थोड़ी देर पहले सिखाए थे कि अगर हमको वाई का आंसर लिखना है तो वाई के मीन में प्लस माइनस डेल वाई लिखना होता है, क्या सही पढ़े? तो देखो अगर R इक्विवेलेंट लिखना है तो R इक्विवेलेंट जो आप 16 लाए हैं प्लस माइनस डेल R इक्विवेलेंट जो 0.6 है, इन दोनों को ऐड करके ऐसे लिख दिए, आपके क्वेश्चन का यही आंसर है। लेकिन मान लीजिए हम आपको ये क्वेश्चन बताते हैं, कल आपको एक नया क्वेश्चन आ जाए, बोला जाए कि देखो जी एब्सोल्यूट एरर बताओ R इक्विवेलेंट का, तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ R इक्विवेलेंट का मतलब हुआ डेल R इक्विवेलेंट 0.6 ओम, ये आप निकाल लेते हैं। और मान लो कभी और कोई क्वेश्चन आ जाए नया, रिलेटिव एरर बताओ, तो जो डेल आर इक्विवेलेंट है उसमें आर इक्विवेलेंट से डिवाइड कर लीजिए, 0.6 में 16 से डिवाइड कर लीजिए। अच्छा अगर परसेंटेज एरर पूछ लिया तो क्या करें, हाँ रिलेटिव एरर जो निकला उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, समझ में आया आप? फिर से देखो किसी को और डाउट कहीं कुछ लो पूछ लो। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड है, इस लिक्विड का मास है 3 प्लस माइनस 0.2 केजी, पानी है इसमें। फिर एक और कंटेनर है उसमें भी लिक्विड है, इस लिक्विड का मास है 6 प्लस माइनस 0.3 केजी। अब बोला गया कि दोनों को ऐड करके आप एक कंटेनर बनाएं, उसमें पानी दोनों को मिला दिए, उन दोनों पानी को मिला दिए, आपको इसका मास बताना है। सबका आ गया, मास टोटल क्या m1 प्लस m2 होगा? बिना एरर के लिखते हैं तो 3 और 6 9 लिख देते हैं। अब जब हम टोटल मास में एरर लेंगे तो फर्स्ट का एरर और सेकंड का एरर ऐड करेंगे, इसका मतलब 0.2 प्लस 0.3 दैट इज 0.5 केजी। तो फाइनली जब आप मास लिखिएगा, जब आप मास लिखिएगा तो 9 प्लस माइनस 0.5 केजी, दिस इज योर फाइनल आंसर। आ गया होगा सबका? आया जी सबका? यस सर। ठीक है, हाँ चलो इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। फाइंड रिलेटिव एरर इन फाइनल मास, फाइनल मास का रिलेटिव एरर बताना है, व्हाट इज योर आंसर? सर 0.55। 0.5 डिवाइडेड बाय 9 ना, क्या सही है? अरे भाई डेल एम बाय एम है, तो डेल एम है 0.5 और एम कितना है 9, तो 0.5 बाय 9 सॉल्व कीजिएगा 0.055, ठीक है। अच्छा अगर तुमसे बोल दे परसेंटेज एरर तो क्या लिखेगा, डेल एम बाई एम इंटू 100,
तो डेल एम बाई एम आ गया 0.055 जस्ट मल्टीप्लाइड विथ 100, सो योर आंसर इज 5.5%। ठीक है, बोलो एरर में हम लोग कौन सा एरर निकालते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। एक बार सबको साथ में बोल लो, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। हाँ, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और मैक्सिमम तभी मिलेगा जब दोनों प्लस होगा। मैक्सिमम तभी मिलेगा जब दोनों एड होगा तभी मिलेगा। अब देखो जरा सब्सट्रैक्शन में, सब्सट्रैक्शन मान लो x एक फिजिकल क्वांटिटी है जो a माइनस बी पर डिपेंड करता है। x एक फिजिकल क्वांटिटी है जो a माइनस बी पर डिपेंड करता है। जैसे हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन ही देता है, क्वेश्चन है अ बैग ऑफ सैंड हैव मास 10 प्लस माइनस 0.4 केजी। इफ सैंड ऑफ मास 3 प्लस माइनस 0.1 केजी इज रिमूव्ड, फाइंड मास ऑफ रिमेनिंग सैंड। क्या आपको समझ में आया कि यहां सब्सट्रैक्शन लगेगा? यस सर। ठीक है ना, इतना मास आप निकाल दिए तो ऑब्वियसली जो बचा है, वो जो बचा है अगर हम बहुत आसानी से लिख दें यहां पे, तो मास जो रिमेनिंग है क्या वो मास टोटल माइनस मास रिमूव्ड होगा? मास टोटल माइनस मास रिमूव तो सब्सट्रैक्शन है, कोई इशू नहीं, सब्सट्रैक्शन है। अब चलो देखते हैं कैसे काम होता है। तो जरा यहां पे हम इक्वेशन बना लो इसका, x इज इक्वल्स टू ए माइनस बी विथ प्रॉपर एरर लिमिट। चलो एरर लिमिट के साथ देखो, तो अगर a का एरर है डेल a और b का एरर है डेल b या माइनस, तो याद रखना x में एरर होगा डेल x। सो x प्लस माइनस डेल x इज a प्लस माइनस डेल a माइनस b। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो जी, जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। यस सर। लिखें डेल बी, अगेन सिंग दैट कि एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इज ए माइनस बी एक साथ प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी। क्या ये एक्स और ए माइनस बी बराबर है? तो हमारे पास आया प्लस माइनस डेल एक्स इज प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी। सही जा रहे हैं? अगेन थोड़ा सा जो ट्विस्ट है उस ट्विस्ट को फेस करो। अगेन देर आर फोर पॉसिबिलिटी, देर आर फोर पॉसिबिलिटीज। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है भाई? प्लस डेल ए माइनस डेल बी, प्लस डेल ए माइनस डेल बी, फिर दूसरा हो सकता है प्लस डेल ए प्लस डेल बी, फिर से तीसरा हो सकता है माइनस डेल ए प्लस डेल बी, और फिर चौथा हो सकता है माइनस डेल ए माइनस डेल बी।
ये डेल एक्स का चार अलग अलग वैल्यू हो सकता है। तो फिर से तो बात वही आ गया जो पिछले केस में कहानी सुने थे कि चार अलग अलग आंसर, तो बात फिर से वही स्टार्ट होता है जो बेसिक आपको सिखा दिया गया। याद रखिए एरर में हमेशा आपको मैक्सिमम एरर ही निकालना है। एरर में हमेशा आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर क्या फिर से प्लस में मिलेगा? ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। अच्छा तुमको हम एक है ना ऐसा लाइन बोल देते हैं ना कि कभी एरर में गलती होगा ही नहीं, अगर तुमको केवल एक लाइन याद है। याद रखना एरर के कैलकुलेशन में हम बोले क्या कि एरर के कैलकुलेशन में कभी माइनस नहीं होता। अभी से लेके एरर जब तक पढ़ना है पढ़ते रहो, एरर के कैलकुलेशन में कभी माइनस नहीं होता। ठीक है, एडिशन था एड हुआ कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में भी एड ही होगा, मल्टीप्लीकेशन में भी ऐड होगा और डिवीजन में भी ऐड ही होगा। ठीक है, एरर में कभी माइनस नहीं होता, एरर में कभी भी माइनस नहीं होता, एरर हमेशा मैक्सिमम काउंट होता है। तो मैक्सिमम काउंट करने के लिए आपको हमेशा प्लस ही करना पड़ता है। सो इवन दिस इज द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, दिस इज द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, बट स्टिल मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर अगर आप डेल एक्स में निकालेंगे तो अभी भी डेल ए प्लस डेल बी ही होगा। क्वांटिटीज ठीक है, माइनस हो रहा है, क्वांटिटी माइनस हो रहा है, क्वांटिटी माइनस हो रहा है, घट रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन एरर में प्लस ही होगा। एडिशन में भी एरर प्लस होगा, मल्टीप्लीकेशन में भी प्लस होगा, डिविजन में भी प्लस होगा, और इवन सब्सट्रैक्शन में भी प्लस ही होगा। ठीक है, अब चलो देखो इसका यूज। जैसे देखो जब हम लोग यहां निकालना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से हा? तो विदाउट एरर, बिना एरर का अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो जो रिमेनिंग मास आप लिखिएगा बचा हुआ मास वो होगा टोटल का कितना 10, उसमें से 3 माइनस, योर आंसर इज 7 केजी विदाउट एरर। लेकिन जब आप एरर के साथ लिखेंगे डेल एम लिखेंगे रिमेनिंग का तो याद रखना कि ये डेल एम टोटल प्लस डेल एम रिमूव प्लस होगा जी, प्लस बार बार हम स्ट्रेस कर रहे हैं प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। आपको पूरा डेरिवेशन दिखा चुके हैं प्लस होगा, तो एरर में आ जाएगा यहां पे, एरर में आ जाएगा यहां डेल एम टोटल कितना 0.4 प्लस 0.1 सो इट इज 0.5 केजी। एंड योर फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे मास रिमेनिंग फाइनल, जो मास रिमेनिंग है फाइनल बचा हुआ है, तो योर आंसर इज 7 प्लस माइनस 0.5 केजी, 7 प्लस माइनस 0.5 केजी। ठीक है, दिमाग शांत करो और फिर से एक बार एनालाइज करो। फिजिकल क्वांटिटी यहां देखना, यहां देखना, फिजिकल क्वांटिटी एडिशन था तो भी इसका एरर ऐड हुआ, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी सब्सट्रैक्शन का था तो भी उसका एरर ऐड ही हुआ। तो चाहे आप एडिशन पढ़ें या सब्सट्रैक्शन, एरर हमेशा ऐड होता है। एरर हमेशा क्या होता है? एरर हमेशा क्या होता है? ऐड होता है, एरर हमेशा ऐड ही होता है। ठीक है, चलो इसको नोट करो अच्छे से, फिर एक क्वेश्चन दे रहे बनाओ। कोई डाउट है पूछ लो, कहीं भी डाउट है पूछ लो। सर वो जो क्वेश्चन दिया है उसके आंसर का पहला लाइन क्या है? ये वाला इधर रिमेनिंग मास, रिमेनिंग मास
रिमेनिंग लिखा हुआ है और यहाँ रिमूव लिखा हुआ है, ठीक है, ये बचा हुआ लिखा हुआ है, यहाँ रिमूव लिखा हुआ जो निकाले आप, ओके खुश। अ डेस्क ऑफ एरिया 6 ± 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रिमूव फ्रॉम लार्ज मेटल प्लेट ऑफ एरिया 20 ± 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड एरिया ऑफ रिमेनिंग मेटल प्लेट बना इसको 14 ± 0.1 किनका आ रहा 14 ± 0.1 कोई कोई अभी बोल रहे थे ना 14 ± 0.1 आप एरर को माइनस क्यों कर रहे हैं, यही तो अभी सिखाया गया कि आपको एरर माइनस नहीं करना, एरर प्लस ही होगा, ठीक है ना, एकदम सही। 14 ± 0.9 इज द आंसर, 14 ± 0.9 इज द आंसर। करना क्या है भाई, एरिया जो रिमेनिंग का है, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो एरिया टोटल में से एरिया रिमूव करना होगा, रिमूव को हटाना होगा, ठीक है, सब्सट्रैक्शन है। तो यहां तो हमें लिख दिया 20 - 6 दैट इज 14, लेकिन जब हम इसी का एरर लिखेंगे, रिमेनिंग का एरर लिखेंगे, तो हमको डेल ए टोटल में डेल ए रिमूव को ऐड करना पड़ेगा, डेल ए रिमूव को ऐड करना पड़ेगा जी, एडिशन इज देयर, सही। इसका मतलब ये है कि ऊपर 0.5 और 0.4 ऐड होगा एंड इट कम्स टू बी 0.9, ठीक है, एंड योर फाइनल आंसर ऑफ रिमेनिंग एरिया इज 14 ± 0.9 दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है, ठीक। तो देखना, देखो एकदम हम आपको नेचुरल चीज बताते हैं जो ह्यूमन नेचर है, एडिशन में ऐड करना, किसी को याद रखने का जरूरत नहीं है, सबको ऐसे ही आता है, एडिशन में ऐड करना, लेकिन सब्सट्रैक्शन में ऐड करना है, दिमाग को इसके लिए मॉड्यूलेट करो कि सब्सट्रैक्शन में भी एरर को क्या करना है जी, ऐड करना है, सब्सट्रैक्शन रहे या एडिशन रहे एरर क्या होगा हमेशा एड ही होगा, एरर कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होता, एरर में कभी भी सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं होता, ठीक है, एरर हमेशा ऐड होता है, ठीक है। अभी यहां पे एक और क्वेश्चन, टू स्टिक्स ऑफ लेंथ 4 ± 0.1 मीटर एंड 5 ± 0.2 मीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही, लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज L1 + L2 एडिशन, तो विदाउट एरर इट इज 4 + 5 दैट इज 9, और अगर हम लोग डेल एल ऑफ कॉम्बिनेशन भी निकालें तो L1 + L2 which is equals to 0.3, so your final answer is
9 प्लस माइनस 0.3 मीटर आंसर। तो क्या आप ये दोनों समझ गए कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एरर को कैसे यूज करना है? यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए देखो इतना बहुत है, इतना डिस्कशन करते हैं।